जब खाने और पीने जैसी चीजों की एडवर्टाइजिंग की जाती है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट दिखाना बड़ा उद्देश्य होता है, और कभी कभी इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं होता है। एडवर्टाइजर्स के पास ऐसी कई सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए जो फोटोशूट को अफेक्ट करती हैं, जिसमें टाइम बेस्ड प्रोडक्ट्स, खाने को अच्छा लुक देना या उसकी फ्रेशनेस को बनाए रखना शामिल है। और इसी कारण हमारा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता बाहर के खाने की तुलना में, जिसे देखकर लगता है कि बस खाने को मिल जाए। इनमें से कुछ ट्रिक्स तो शूट के समय को कम करने के लिए और कुछ खाने को टेस्टी दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले क्या आप एक हेल्दियर लाइफ जीने की ट्रिक जानना चाहेंगे? तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। तो चलिए जानते हैं फोटो को अच्छा दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स कौन सी ट्रिक्स को यूज करते हैं। पहला, पैनकेक्स और सिरप। पैनकेक के एडवर्टाइजमेंट में ज्यादातर कुछ सिरप को ऊपर से डाला जाता है, लेकिन वो सिरप को पैनकेक में अब्सॉर्ब होने से कैसे रोकते हैं? गीलेपन से बचाने के लिए इन पर पहले फैब्रिक प्रोटेक्टर स्प्रे किया जाता है। दूसरा, गरम भोजन और भाप। कोई भी गरम भोजन या ड्रिंक एड आमतौर पर हमारे मुंह में पानी लाने के लिए उठने वाली भाप से सजे होते हैं। हालांकि भाप असल में वेट कॉटन बॉल्स से निकलती है, जिसे माइक्रोवेव कर सीधा खाने के पीछे रखा जाता है। तीसरा, हैमबर्गर्स। हैमबर्गर्स को ताज़ा ग्रिल्ड दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स अक्सर ब्राउन शू पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। हैमबर्गर बंस को टेस्टी दिखाने के लिए भी अक्सर शू पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। बर्गर को एड्स के लिए तैयार करने के लिए थोड़ा कम पकाया जाता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट scoopwoop.com का कहना है कि मीट या चिकन पैटी को बस एक साइड से पकाया जाता है, जिससे वो फैटी और सॉफ्ट दिखे। चीज को हल्का मेल्ट कर बेस्ट एंगल से फोटो क्लिक की जाती है, जिससे ये यमी दिखता है। चौथा, आइसक्रीम। एडवर्टाइजमेंट करते समय फोटोग्राफर्स असल में आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडियो में लाइट्स की गर्मी की वजह से आइसक्रीम जल्दी पिघल जाती है। इसकी बजाय एडवर्टाइजर्स फूड कलर्ड मैश्ड पोटेटोज का यूज करते हैं। पांचवा, सीरियल। सीरियल खाने वाले जानते होंगे कि दूध डालने के बाद ये बाउल में नीचे बैठ जाते हैं। इसे फोटोग्राफ में दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स दूध की जगह ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। छठा, आइस क्यूब्स। ठंडे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में ये अक्सर देखने को मिलते हैं, हालांकि असल में इनका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी पिघल जाने के कारण एडवर्टाइजर्स प्लास्टिक आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। सातवां, व्हिप्ड क्रीम। जब भी व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल फोटोशूट में होता है, तब एडवर्टाइजर्स इसकी जगह शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। शेविंग क्रीम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आकार देना आसान है और ये व्हिप्ड क्रीम की तरह आसानी से पिघलती नहीं। आठवां, फल। एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले फल अक्सर बहुत चमकदार लगते हैं, हालांकि इस चमक को स्प्रे डिओड्रेंट का इस्तेमाल करके लाया जाता है। नवा, शहद या सिरप। फिर से, ज्यादातर ब्रेकफास्ट में शहद और सिरप कई प्रोडक्ट्स के एड में दिखाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी जगह कुछ और ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर शहद या सिरप से मनचाहा लुक नहीं मिलता तो एडवर्टाइजर्स मोटर ऑयल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दसवा, सी फूड। सी फूड को ज्यादा डिलिशियस दिखाने का एक तरीका ये है कि उसे जूसी दिखाया जाए, लेकिन ये लंबे समय तक जूसी नहीं रह पाते, जिस कारण से एडवर्टाइजर्स ग्लिसरिन का इस्तेमाल करते हैं। ग्यारहवां, स्टैक्ड यानी पाइल्ड अप फूड। बड़े बड़े बर्गर्स और मसालों से भरे सैंडविचेस के इधर उधर खिसकने का डर होता है। एडवर्टाइजर्स अपने प्रोडक्ट्स को अलाइंड दिखाने के लिए टूथपिक और कार्डबोर्ड की लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो ये खाने को एक साथ दिखाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सुनने में मजेदार है ना? बारवां, सिरप। एक बार और, एक और तरीका जहां एडवर्टाइजर्स सिरप को उसकी जगह पर टिकाने के लिए पेपर टॉवल्स का यूज करते हैं। पेपर टॉवल के छोटे पीसेस को नीचे लगाकर सिरप को ऊपर से डाला जाता है, जिससे वो बहने से बचता है। तेरवां,
बुलबुले। आप इसे छोटे बच्चों की तरह फोड़ना चाहेंगे, लेकिन अब आप सीखेंगे कि एड्स में कैसे इन्हें यूज किया जाता है। अक्सर इनका इस्तेमाल बेवरेज को रिफ्रेशिंग दिखाने के लिए होता है। एडवर्टाइजर्स शूटिंग के दौरान लगातार बुलबुलों को दिखाने के लिए अक्सर एंटासिड्स या डिश सोप का इस्तेमाल करते हैं। 14वां, सॉसेस। एडवर्टाइजमेंट में यूज किए गए सॉस को थिक दिखाया जाता है क्योंकि इसमें मेल्टेड कलर्ड वैक्स होता है। 15वां, नूडल्स। इटालियन और एशियन क्विजीन के नाश्ते को एडवर्टाइजमेंट्स में दिलचस्प रूप से दिखाया जाता है। नूडल्स बनने के बाद बड़ी जल्दी खा लिए जाते हैं। इसे गर्म और ताजा लुक देने के लिए एडवर्टाइजर्स लिक्विड ग्लूकोज की कोटिंग करते हैं। 16वां, चिकन। जब चिकन की फोटो ली जाती है तो इसे शायद ही कभी ग्रिल पे पकाते हैं। इसकी बजाय इसे बहुत कम पकाते हैं और फिर रेडी टू ईट वाला लुक देने के लिए पेंट करते हैं। वॉल्यूम देने के लिए कई एडवर्टाइजर्स इसे पेपर टॉवल्स से भरते हैं। 17वां, तिल के दाने। जब आप सेसमी सीड यानी तिल के दाने वाला बन देखेंगे तो पाएंगे कि वो कितना बढ़िया अरेंज्ड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वैसा ही दिखाते हैं। जी हाँ, एडवर्टाइजर्स उस व्यक्ति को पे करते हैं ताकि वो बन में तिल के दाने ठीक से लगाए। 18वां, स्ट्रॉबेरीज। क्या आपने कभी कमर्शियल में स्ट्रॉबेरी को देखा है? वो रियल लाइफ की तुलना में कितनी ज्यादा लाल दिखती हैं। खैर, ये आपके टीवी सेट की दिक्कत नहीं है तो इसे एडजस्ट ना करें। असल में ये लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल है जिससे ये सुर्ख लाल दिखती हैं, बिल्कुल जैसे ताजा तोड़ी गई हो। 19वां, दूध। इसमें सिर्फ ग्लू का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। क्या आपने कमर्शियल में कभी ग्लास में भरा दूध देखा है? कभी गौर किया कि वो कितना फ्रेश दिखता है? खैर, उसे बबली दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स दूध में साबुन का पानी और बुलबुलों का प्रयोग करते हैं जिससे वो ताजा लगे। 20वां, सोडा। इस वीडियो में हमने सोडा के बारे में बहुत बार बात की है। नकली आइस क्यूब्स, साबुन और कई और सामान इसे अच्छा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो ग्लॉसी, अभी अभी फ्रिज से निकला हुआ और ठंडा लुक ग्लास को ठंडा करने से ही आता होगा, है ना? लेकिन हमेशा की तरह जवाब है नहीं। असल में इसे कैमरा के सामने लाने से पहले इस पर डिओड्रेंट स्प्रे किया जाता है। अगर देखा जाए तो एड्स में आइस क्यूब नकली हैं, पॉप का टेस्ट साबुन जैसा है और महक डिओड्रेंट की तरह। बहुत ही बढ़िया। 21वां, चांदी के बर्तन। कभी आपने सोचा है कि ऑड एंगल पर होने पर भी चांदी के बर्तन प्लेटों पर कितनी अच्छी तरह से टिके रहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजर्स इसके लिए स्टिकी टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें कभी भोजन को बिना निकाले डिश पर भोजन दिखाना हो तो वो इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फोर्क, स्पून या कुछ और को स्थिर रखना हो। और इसी के साथ एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिक्स पर हमारी वीडियो खत्म होती है। क्या आपने इस लिस्ट से कुछ सीखा? क्या किसी ट्रिक ने आपको हैरान किया? अगर हम कोई ट्रिक बताना भूल गए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।